वहां पे मीडिया रेजिस्ट नहीं करना है, ये आपको बता रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अब जहां डेप्टर्स हैं वहां सेल्स होंगे, क्रेडिटर्स हैं वहां परचेजेस। सिंपल, यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है, तो इन दिस केस इट विल बी एवरेज ट्रेड पेएबल्स, दैट इज क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल, क्लोजिंग ऑफ क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल डिवाइड बाय टू। सो सिंपल। नाउ इसके आंसर्स, अगर हमको मंथ में इसका आंसर चाहिए सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल पेएबल, तो हम ये फॉर्मूला से, बट अगर आंसर मंथ में चाहिए तो 12 डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल और पेएबल, मींस डेप्टर्स और क्रेडिटर्स टर्नओवर, डेप्टर्स टर्नओवर और क्रेडिटर्स एज द केस में भी। वीक्स में आंसर चाहिए तो 52 डिवाइड बाय दिस रेशियो, एंड इन डेज आंसर इज रिक्वायर्ड, देन 365 डिवाइड बाय द डेप्टर्स टर्नओवर और क्रेडिटर्स टर्नओवर। लेट अस प्रैक्टिस आउट थ्रू सम क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस गो टू द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 18 इन सीक्वेंस। ओके, हम 18 क्वेश्चन को करते हैं। इन दिस वी आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट, कैलकुलेट डेप्टर्स टर्नओवर एंड कलेक्शन पीरियड इन डेज। बहुत क्लियरली आपको दे दिया है कि डेप्टर्स टर्नओवर ढूंढना है और कलेक्शन पीरियड डेज में। हाँ, इफ व्हाट विल बी द आंसर इफ द कलेक्शन पीरियड इज कलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ वीक्स, ऑल्सो अज्यूम दैट 360 डेज ऑफ ईयर आर देयर। क्वेश्चन ने सब क्लियरली बता दिया है। एलिमेंट्स जो क्वेश्चन की चीजें, वो अच्छे से समझो क्या है। पहला टोटल सेल्स, ओपनिंग डेप्टर्स, ओपनिंग बिल्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्रेडिट सेल्स, क्लोजिंग डेप्टर्स, क्लोजिंग बिल्स पेएबल, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ओके, सो दिस वे थिंग्स आर गिवन टू यू। वी नीड टू कैलकुलेट ओनली डेप्टर्स टर्नओवर। आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्रेडिटर्स का इधर कोई काम ही नहीं है। दे आर गिवन जस्ट टू डाइवर्ट योर माइंड, रिमेनिंग ओनली थिंग्स आर हेल्पफुल टू अस। लेट अस फर्स्ट गो टू अवर फर्स्ट एलिमेंट, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग, क्या ओपनिंग, दोनों ओपनिंग डेप्टर प्लस बीआर। ओके, इन दिस ऑल्सो वी विल एड क्लोजिंग डेप्टर प्लस बीआर डिवाइड बाय टू। सो गो फॉर इट। ओपनिंग डेप्टर 70,000 प्लस बीआर ओपनिंग 20,000 प्लस क्लोजिंग डेप्टर 50,000 प्लस क्लोजिंग बीआर 6,000 डिवाइड बाय टू। ओके, सो दिस वे इट आंसर कम्स टू 73,000 एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हमने ढूंढ लिया। अभी हमको डेप्टर्स टर्नओवर करना है, और डेप्टर्स टर्नओवर में हमको चाहिए क्रेडिट सेल्स, वो डायरेक्टली दी हुई है इसीलिए मैं टच नहीं कर रही हूं। टोटल सेल्स को इग्नोर करेंगे हम इधर, क्रेडिट सेल्स चाहिए हमको फॉर्मूला में 3,60,000। सो गो फॉर इट। नाउ व्हाट वी पुट हियर, डेप्टर्स टर्नओवर इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 3,65,000 डिवाइड बाय 73,000। 3,65,000 डिवाइड बाय 73,000, दिस टर्नओवर कम्स फाइव टाइम्स। आंसर इसका आता है ये टर्नओवर 8 टाइम्स में आएगा। नाउ दे हैव आस्क्ड यू टू कैलकुलेट इवन द कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन पीरियड कैसे, कलेक्शन पीरियड आपको फाइंड करना है। फर्स्ट केस डेज, डेज होगा तो, और बोला है 360 अज्यूम करना है, सो 360 अपॉन डेप्टर्स टर्नओवर, सो 360 अपॉन 5। ऐसे ही वीक्स है तो वीक्स में कैसे होगा, अभी डिस्कस किया, वीक्स 52 अपॉन डेप्टर्स टर्नओवर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर मंथ्स है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12 महीने होते हैं अपॉन डेप्टर्स टर्नओवर। हमको पता है डेप्टर्स टर्नओवर 5 है, तो 52 अपॉन 5 करेंगे हियर, 12 अपॉन 5 करेंगे, सिंपल। सो इट कम्स टू 72 डेज में कलेक्शन हो जाता है इस तरह से। और अगर वीक्स करें तो 10.4 वीक्स, एंड इफ वी गो फॉर मंथ देन इट कम्स टू 2.4 months, right? So this way, this is to be calculated very easy.
स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं ये वाले, सिंपल स्कोरिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स आर देयर। ओके लेट अस टेक वन मोर प्रैक्टिकल, एक और देख लेते हैं। ओके एंड देन यू विल डू सिमिलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। सी आई एम अगेन टेलिंग यू टेक्स्ट बुक इलस्ट्रेशंस यू मस्ट प्रैक्टिस हियर, इन दिस केस विच इलस्ट्रेशंस यू मस्ट प्रैक्टिस, इलस्ट्रेशन नंबर 29, देन इलस्ट्रेशन 30, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर फ्रॉम बुक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, 31, 32, फॉर दिस ये सारे इलस्ट्रेशन आप टेक्स्ट बुक illustrations of textbook you will draw. Okay, so let us see finally ये क्या है, अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, creditor turnover और पेमेंट पीरियड। पहले डेबिटर का किया अभी क्रेडिटर का करना है, तो सिंपल लॉजिकल चीज पहले ये समझ लो कि अगर कोई डेबिटर वाली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको हमको कंप्लीटली इग्नोर, जैसे क्रेडिटर बिल्स पेबल काम के हैं, लेकिन बीआर ये हमारा काम का हमारे माइंड डाइवर्शन के लिए, कैश सेल्स, सेल्स की जरूरत ही क्या है, क्रेडिटर्स में तो परचेजेस हैं, तो ये सब हमारे माइंड डाइवर्शन के लिए हैं। नाउ लेट अस इवन हियर आल्सो इफ यू से बिल्स रिसीवेबल एंड डेबिटर्स आर ऑफ नो यूज टू अस, सो लेट अस पुट इट दिस वे एंड स्टार्ट फर्स्ट एवरेज ट्रेड पेएबल, जिससे पहले फाइंड किया था, इज इक्वल टू क्या लेंगे अपन, क्या लेंगे इसमें पता है ना, इफ यू पुट दिस वे, पहले ओपनिंग ऑफ क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल प्लस ओ क्लोजिंग ऑफ क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल डिवाइड बाय टू, सो सिंपल हियर 45,000, सिर्फ लिफ्ट करके रखना है फॉर्मूला में, 45,000 प्लस 15,000, 40 प्लस 20, अगेन आई एम टेलिंग यू सीधा आंसर आएगा तो नहीं लिखेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड बाय टू इट गिव्स अस 60,000 एवरेज ट्रेड पेएबल्स। देन नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्रेडिट से परचेजेस, और क्रेडिट परचेजेस हम ये देखो टोटल परचेज और कैश दिया है, देयरफॉर क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस कैश परचेज, ये तो लॉजिकल चीज है, इजीली हो जाता है हमारा, सो इट कम्स टू 6 lakhs माइनस 2,40,000 कैश, तो आपको बाकी क्रेडिट परचेजेस मिल जाएंगे 3,60,000, पहले क्रेडिटर का टर्नओवर फाइंड कर, देयरफॉर क्रेडिटर टर्नओवर इज इक्वल टू क्रेडिटर्स टर्नओवर इज इक्वल टू क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल इज इक्वल टू 3,60,000, अभी फाइंड किया 3,60,000 अपॉन 60, सो दिस गिव्स अस हाउ मेनी टाइम्स, प्लीज माइंड इट क्लियर, 6 times, टर्नओवर इज हाउ मेनी टाइम्स, 6 times, नाउ यूज दिस टू फाइंड आउट फॉर डेज वीक्स मंथ्स, पेमेंट पीरियड फाइंड करें, पेमेंट पीरियड वेरी वेरी इजी, फर्स्ट डेज है तो 360 अपॉन क्रेडिटर टर्नओवर इज इक्वल टू 360 अपॉन 6 इज इक्वल टू 60 days, सेकेंड हमको वीक्स 52 अपॉन क्रेडिटर टर्नओवर इज इक्वल टू 52 अपॉन 6 इज इक्वल टू 8.67 weeks, प्लीज मेंशन इट, वीक डेज वट एवर, हियर डेज हमको अज्यूम करने के लिए बोले हैं या मंथ्स हमको अज्यूम, मंथ्स अभी करने हैं हमको, 12 अपॉन क्रेडिटर टर्नओवर इज इक्वल टू 12 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 months, 2 months के अंदर हम पेमेंट करा देते हैं, सो इन दिस वे वी हैव डन लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, प्लीज गो फॉर ऑल MCQs, all theory and then these practicals. Okay, thank you, meet you for next class.